Assalamu alaikum and a very good morning to all of you. Today we will have our fourth lesson of this week, and our topic for today will be word problems. We are going to solve some word problems today. ठीक है, जो हमने अभी तक addition और subtraction पढ़ी है उनसे ही related we will have some word problems. ठीक, and as you can see the date is 14th January 2021 and the day is Thursday. So let's start by recalling the symbols, and the first symbol here is the symbol of plus, and this is the symbol of minus. Very good. And this one is a symbol of equals to. I am showing you all these symbols because you will have to make addition statement or subtraction statement according to the word problem. क्योंकि अभी हम जब ये symbols use करेंगे तो आपको ये symbols अच्छी तरीके से पता होने चाहिए. You must be familiar with all these symbols. ठीक, so for solving word problems, एक important चीज़ that you have to keep in mind that you have to read the problem first. Let me show you the example. मैं यहाँ पर example से show करती हूँ कि यहाँ पर आपने statement को किस तरह से read करना है. Statement को read करना important है और उसको समझ कर करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट एडिशन सेंटेंस या सब्ट्रैक्शन सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम आपने बनानी है और सॉल्व करना तो आप सबको माशाल्लाह से बहुत अच्छे से आता है. ठीक है, बस यहाँ पर सॉल्व करने से पहले आपने स्टेटमेंट को समझना है, जो आपका वर्ड प्रॉब्लम गिवन है. ठीक है, उसे समझना इम्पॉर्टेंट है. तो लेट्स स्टार्ट विद दिस. जैसे यहाँ पर अगर हमारे पास एक क्वेश्चन है, देर आर फाइव फिश, देर आर टू फिश. अब यहाँ पर तो बहुत ही सिंपल सी स्टेटमेंट गिवन है कि आपके पास फाइव फिश है एंड टू फिश है, लेकिन व्हाट इज़ द सम. अब यहाँ जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द सम. अब व्हाट इज़ द सम का क्या मतलब है, जहाँ पर ये सम का वर्ड यूज़ हो गया. अब हम यहाँ पर एक चीज़ ये भी कर सकते हैं कि हम वर्ड प्रॉब्लम्स को पढ़ें और उसमें से कीवर्ड्स को ढूंढें. कीवर्ड्स मतलब एक कोई ऐसा वर्ड जिससे आप ये आइडिया कर सकें कि आपने यहाँ प्लस करना है या माइनस. कुछ वर्ड्स इतने ऑब्वियस होते हैं कि आप उन्हें देखकर ही समझ जाते हैं कि यू हैव टू ऐड हेयर. जैसे कि व्हाट इज़ द सम, सम इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड टू एड. ठीक है, तो सम यहाँ पर हमें वैसे ही ऑब्वियसली वर्ड गिवन था ऑलरेडी, तो हमें जो है ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ा, हमने डायरेक्ट 5 + 2 = 7 हम क्या करेंगे, डायरेक्टली ऐड कर देंगे. इसी तरह से नाउ लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ एडिशन. वन मोर एग्जांपल, यहाँ क्या है, देयर आर थ्री रैबिट्स, तीन रैबिट्स थे, थ्री मोर रैबिट्स कम, तीन और रैबिट आ गए, हाउ मैनी इन ऑल. अब यहाँ देखिए, यहाँ पर भी एक टर्म यूज़ हुई हुई है. अगर हम पहले स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करें कि तीन रैबिट्स थे, ठीक है, और तीन और आ गए, थ्री मोर केम, ठीक है, और तीन आ गए. जब तीन और आए और हाउ मैनी इन ऑल, अब यहाँ सवाल क्या पूछा है, इन ऑल कि अब सबको मिलाकर कितने हैं. तो यहाँ अगर हम देखें तो दिस कैन बी आर कीवर्ड, ये हमारा कीवर्ड हो सकता है इन ऑल. ठीक है, इन ऑल का क्या मतलब है कि वी हैव टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रैबिट्स, हमें टोटल नंबर ऑफ रैबिट्स मालूम करने. तो हम क्या करेंगे, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू ऐड 3 + 3, 3 and 3 make 6. ये आपको अच्छी तरीके से आता है सॉल्व करना. ठीक, तो इस तरह से पहले हम वर्ड
प्रॉब्लम जो हमें गिवन होगा उसे रीड करेंगे और उसके बाद हम ये डिसाइड करेंगे कि वेदर वी हैव टू ऐड और सब्ट्रैक्ट. आफ्टर डूइंग दैट वी आर गोइंग टू ऐड मेक अ स्टेटमेंट सेंटेंस एडिशन सेंटेंस और सब्ट्रैक्शन सेंटेंस. ठीक, नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ सब्ट्रैक्शन. अब लेट्स सी हियर, यहाँ लिखा है देयर आर 34 फिश. 13 फिश स्विम अवे, स्विम अवे. हाउ मैनी आर लेफ्ट. अब ये देखिए, यहाँ अगर कहते हैं कि यहाँ पर 34 फिश थी और उनमें से 13 स्विम अवे, मतलब 13 चली गई, स्विम अवे. हाउ मैनी आर लेफ्ट, हाउ मैनी आर लेफ्ट. कितनी रह गई, कितनी बच गई. अब यहाँ अगर हम देखें तो ये की वर्ड हम इसको देख सकते हैं कि लेफ्ट यूज़ हुआ है. लेफ्ट मोस्टली जैसे यूज़ होता है वो सब्ट्रैक्शन के लिए यूज़ होता है. ठीक है, तो हम इसको पहले स्टेटमेंट को प्रॉब्लम को रीड किया, उसमें से की वर्ड देखा हमने कि लेफ्ट इज़ मोस्टली यूज फॉर सब्ट्रैक्शन. तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट द नंबर्स. तो हमने क्या किया, हमने सब्ट्रैक्ट किया. हमने सब्ट्रैक्ट कैसे किया, हमने 34 माइनस 13 किया. 34 में से 13 को माइनस कर दिया. 34 में से जब हमने 13 को माइनस किया तो 4 माइनस 3 इज़ 1 एंड 3 माइनस 1 इज़ 2. तो हमारा आंसर क्या आया, 21. ठीक है, तो 21 इज़ आर आंसर. 21 फिश आर लेफ्ट. ठीक, तो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसकी हम. ठीक है, आई हैव 36 ऑरेंज. ठीक है, आई ईट 12. आई हैव 36 ऑरेंज एंड आई ईट 12. ठीक है, हाउ मैनी डू आई हैव लेफ्ट. लेफ्ट अगेन द की वर्ड इज सेम, लेफ्ट. यहाँ पर कितने ऑरेंज जो हैं वो बच गए. ठीक है, अब कितने ऑरेंज बच गए ये मालूम करने के लिए व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट 12 फ्रॉम 36. 12 को माइनस करेंगे किससे, 36 से. 6 माइनस 2 इज 4, 3 माइनस 1 इज 2. सो व्हाट विल बी द आंसर, आर आंसर विल बी 24. ठीक, अब हमने अभी आउट ऑफ द बुक एग्जांपल्स देखे हैं, अब हम पहले बुक के एग्जांपल्स देखेंगे. दिस इज योर चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 12 ऑफ योर प्राइमरी मैथमेटिक्स. लेट मी टेल यू द पेज नंबर. पेज नंबर इज 142. ठीक है, आपका पेज नंबर है 142 प्राइमरी मैथमेटिक्स. कीप इट इन फ्रंट ऑफ यू. अब हम पहले जो है वो इधर से एग्जांपल्स को देखेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू सॉल्व सम वर्ड प्रॉब्लम्स. ठीक है, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वन. दिस इज देयर आर 8 फ्लावर्स इन द वास. आई एम होल्डिंग 2 फ्लावर्स. ठीक है, फ्लावर्स जो हैं ये पूछ रहे हैं कि देर आर 8 फ्लावर्स. फ्लावर जो हैं वो वास के अंदर जो है, गुलदान के अंदर जो है वो कितने हैं, 8. और देर आर 2 फ्लावर्स इन जीनीज हैंड. जीनी के हाथ में जो हैं वो 2 फ्लावर्स हैं. ठीक है, शुड वी ऐड और सब्ट्रैक्ट to find the number of flowers Zini has. अब हमें क्या करना है, हमें number of flowers मालूम करने हैं जो Zini के पास हैं, चाहे वो उसके hands में हो चाहे वो उसके vase में है. हमें total number of flowers मालूम करने हैं. तो अब हमसे पूछा ये जा रहा है कि should we add or subtract. अब हम इसे add करें या subtract करें, लेट्स थिंक अबाउट इट. अब आप ज़रा थोड़ी सी सोचिए कि हम इसे ऐड करना चाहिए या सब्ट्रैक्ट. ओके, तो यू आर करेक्ट कि आपने इनको ऐड करना है क्योंकि हमें टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स मालूम करने हैं.
एट फ्लावर्स इन वास, टू फ्लावर्स इन हर हैंड, और आप क्या करेंगे, एक एडिशन सेंटेंस बनाएंगे, दैट इज 8 प्लस 2 अब इक्वल्स टू 10, ठीक है। डेजीनी हैज 10 फ्लावर्स नाउ, ठीक है। अब जीनी के पास कितने फ्लावर्स हैं, 10, जो उसके पास जो हाथ में थे उसने वो भी वाज में डाल दिए, तो शी हैज़ 10 फ्लावर्स नाउ। यहाँ शी इज़ आस्किंग कि वाई डू वी ऐड, हमें क्यों ऐड करना चाहिए, तो हमें यूँ ऐड करना चाहिए बिकॉज वी वॉन्ट टू नो द टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स, क्योंकि हमें तमाम फ्लावर्स को ऐड करना था, उनके टोटल क्वांटिटी मालूम करनी थी, ठीक है। नाउ लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल, और इसमें थोड़ी सी आपने भी मेरी हेल्प करनी है, ठीक है। टॉम हैज 14 स्टोरी बुक्स एंड कॉमिक बुक्स, 5 ऑफ देम आर कॉमिक बुक्स, हाउ मैनी स्टोरी बुक्स डस टॉम हैव। अच्छा, यहाँ देखिए उन्होंने बताया कि टॉम के पास 14 स्टोरी बुक्स और कॉमिक बुक्स हैं, मतलब वो दोनों मिलाकर 14 हैं, स्टोरी बुक्स एंड कॉमिक बुक्स मिलाकर 14 हैं। अब उसमें से जो 5 हैं, 5 ऑफ देम आर कॉमिक बुक्स, उनमें से जो 5 हैं वो कॉमिक्स हैं और बाकी जो हैं वो डिफरेंट हैं। हाउ मेनी स्टोरी बुक्स डस टॉम हैव, अब टॉम के पास कितनी स्टोरी बुक्स हैं, ठीक है। तो क्या है कि अगर हम लेट्स रिप्रेजेंट द बुक्स विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक्स, लेट्स रिप्रेजेंट बुक्स विद ब्लॉक्स, हम बुक्स को ब्लॉक से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। यहाँ 14 ब्लॉक्स हमने बना लिए क्योंकि उसके पास 5 कॉमिक बुक्स हैं और जो बाकी हैं दोज आर स्टोरी बुक्स, तो हमने 5 जो बुक्स थी उसकी वो कॉमिक्स हैं, तो हमने उसको डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट किया, एंड द रिमेनिंग बुक्स आर रिप्रेजेंटेड बाय डिफरेंट कलर, जो उसकी बाकी बुक्स हैं वो हमने डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट कर दी। अब मुझे आपने ये सोचना है कि आपने 14 एंड 5 को ऐड करना है या उसमें से 14 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। ये आप क्या करेंगे, क्योंकि हमें ये पता है कि टोटल बुक्स 14 हैं, हमें ये तो पता है, और उसमें से 5 जो हैं वो कॉमिक्स हैं, और हमें ये वाला पार्ट मालूम करना है कि जितनी बुक्स अगर कॉमिक्स नहीं हैं तो वो कौन सी, वो कितनी बुक्स हैं 5 के अलावा, जो रिमेनिंग नंबर ऑफ बुक्स है दैट वी हैव टू फाइंड। अब वो जब हमें मालूम करना है तो हम क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। वेरी गुड, करेक्ट। आपने क्या करना है, आपने 14 से 5 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। 5 बुक्स अगर हम अलग कर दें जो कि उसकी कॉमिक बुक्स हैं, तो हमारे पास ये कितने ब्लॉक्स बचते हैं, 9 ब्लॉक्स। वेरी गुड, तो हमें ये पता चल गया कि 5 जो हैं वो कॉमिक हैं एंड 9 जो हैं वो स्टोरी बुक्स हैं, तो टॉम हैज़ 9 स्टोरी बुक्स, ठीक। तो दिस इज, अब यहाँ पर हमने दो एग्जांपल की, दोनों में से एक एडिशन थी बुक पेज नंबर 143 पर और एक थी सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब हम आ गए हैं पेज नंबर 144 पर, ठीक। इधर भी एक एग्जांपल है और यहाँ पर अब आपको टोटली स्टेटमेंट, एडिशन सेंटेंस या सब्ट्रैक्शन सेंटेंस, वट एवर विल बी द प्रॉब्लम अबाउट, जो भी होगा उसको आपने बनाना है। पहला काम हमने क्या करना है, वी हैव टू रीड द प्रॉब्लम वेरी केयरफुली। नोरा बेक 20 कुकीज, ठीक। शी गिव्स अवे 12 कुकीज, ठीक है। नोरा ने 20 कुकीज़
देखी और उसमें से 12 दे दी, गिव्स अवे. हाउ मैनी कुकीज डस नोरा हैव लेफ्ट, लेफ्ट. हाउ मैनी कुकीज डस नोरा हैव लेफ्ट. सरा सा स्टेटमेंट पे गौर करेंगे, सेंटेंस को गौर से पढ़ेंगे. क्वेश्चन क्या है? हाउ मैनी कुकीज डस नोरा हैव लेफ्ट. नोरा के पास कितनी कुकीज बच गई, रह गई. ठीक, तो इसके लिए आई नो दैट आपको ये चीज़ समझ बहुत अच्छे से आ गई है कि अब आपने यहाँ पर क्या करना है. सब्ट्रैक्ट 20 माइनस 12 इज इक्वल टू 8. 20 माइनस 12 इक्वल्स टू 8. जब उन्होंने 12 दे दी नौरा ने, तो उनके पास कितनी बची? नौरा के पास 8 कुकीज लेफ्ट. नौरा हैज 8 कुकीज लेफ्ट. ठीक, अब हमने सबट्रैक्शन की दो एग्जांपल बुक पेजेस में से कर ली और एक एग्जांपल हमने एडिशन की कर ली. अब क्या करना है? अब यू हैव टू डू द फोर्थ सम. ठीक है, ये भी बहुत सिंपल है. इन दीज सम्स आई एम हेल्पिंग यू, फिर आई शो यू सम सम्स दैट यू हैव टू डू ऑन योर ओन. ठीक है, पहले आप, इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ, आपकी हेल्प कर रही हूँ, ताकि आप इन एग्जाम्पल्स को बहुत अच्छे से समझ लें और फिर आप खुद से जो मैं आपको सम्स बताऊँगी वो कर सकें. ठीक है, एन हैज 13 स्टैम्प्स, बाला हैज 3 मोर स्टैम्प्स देन एन. हाउ मेनी स्टैम्प्स डज बाला हैव? नाउ एन के पास 13 है, बाला के पास 3 ज़्यादा हैं एन से. ठीक है, बाला के पास एन से 3 ज़्यादा हैं, तो बाला के पास कितनी स्टैम्प्स हैं? तो जब बाला के पास 3 ज़्यादा हैं एन से, तो बाला के स्टैम्प्स हमें बताने हैं कि उसके पास कितने हैं. ठीक है, हाउ मैनी स्टैम्प्स डज बाला हैव? अब व्हाट डज मोर मीन? मोर का क्या मतलब होता है? कि बाला हैज 3 मोर स्टैम्प्स, बाला के पास उससे 3 ज़्यादा हैं. तो क्या होगा? हमें एन के नंबर ऑफ स्टैम्प्स पता है, हमें बाला के नंबर ऑफ स्टैम्प्स नहीं पता है. बस हमें बाला के नंबर ऑफ स्टैम्प्स के बारे में ये पता है कि ही हैज 3 मोर, उसके पास 3 ज़्यादा हैं. तो हमें क्या करना चाहिए? शुड वी ऐड और सब्ट्रैक्ट? और अगर हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है तो क्यों करना है? ठीक है, हम ऐड करेंगे. वेरी गुड. और हम ऐड क्यों करेंगे? क्योंकि हमें एन के नंबर ऑफ स्टैम्प्स पता हैं, और अगर हम एन के नंबर ऑफ स्टैम्प्स में 3 ऐड कर दें तो हमें सिंपली बाला के नंबर ऑफ स्टैम्प्स पता चल जाएंगे. तो ये हमारे लिए इजी हो जाएगा बाला के नंबर ऑफ स्टैम्प्स को फाइंड करने के लिए. तो 13 प्लस 3 इक्वल्स 16. ठीक, तो बाला हैज 16 स्टैम्प्स, 16 स्टैम्प्स. ठीक है, बाला के नंबर ऑफ स्टैम्प्स क्या हैं? 16. तो हमें क्या क्वेश्चन दिया था? हमें एन के नंबर ऑफ स्टैम्प्स बता दिए गए थे और हमसे कहा गया था कि बाला के पास 3 ज़्यादा हैं, 3 मोर. 3 ज़्यादा होने से हमें उसके नंबर ऑफ स्टैम्प्स तो नहीं पता चल पाए थे, पर उसके लिए हमने क्या किया कि हमने एन के नंबर ऑफ स्टैम्प्स में बाला के नंबर ऑफ स्टैम्प्स को ऐड किया, और फिर हम इजीली हमने बाला के नंबर ऑफ स्टैम्प्स मालूम कर लिए. ठीक, जितने उसके पास ज़्यादा थे हमने वो उसको ऐड करके फाइंड आउट कर लिया. I have explained you all the sums till page number 144. अब मैंने आपको 144 तक सब sums explain कर दिए. अब you have to do is, आपने क्या करना है? आपने 145 पर जितने भी word problems given हैं, you have to complete them. आप
आपने उनको सॉल्व करना है, ठीक है। दिस इज़ योर होम टास्क। होम टास्क मीन्स दैट यू आर गोइंग टू डू ऑन योर ओन, आप ये खुद से कोशिश करेंगे। एंड इफ़ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, थोड़ी सी कोई कन्फ्यूजन हो, तो यू कैन ऑलवेज आस्क योर टीचर। फिर आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। आपने क्या करना है, पेज नंबर 145 पे यू हैव दीज टू सम्स, आपने इनको समझना है, पढ़ना है, रीड इट ट्वाइस। अगर एक दफ़ा में नहीं समझ आएगा तो दूसरी दफ़ा रीड कीजिए, ठीक है, और उसको समझिए। एंड देन ट्राई टू मेक एन एडिशन सेंटेंस और सब्ट्रैक्शन सेंटेंस, वॉट एवर द ऑपरेशन यू हैव टू यूज़ इन दैट प्रॉब्लम, ठीक है। ठीक है, रीड द वर्ड प्रॉब्लम्स, रीड इट वंस, इफ़ यू कांट गेट इट रीड इट ट्वाइस, ठीक है, दो दफ़ा पढ़े फिर उसको समझे। एंड देन मेक द एडिशन और सब्ट्रैक्शन स्टेटमेंट, वट एवर द स्टेटमेंट इज आस्किंग यू टू फाइंड, जो भी स्टेटमेंट में आपसे कहा जा रहा हो फाइंड करने के लिए, चाहे वो प्लस करके आए या माइनस करके आए, आपने स्टेटमेंट्स को रीड करना है, समझना है। And then you have to solve these word problems, ठीक है। In case you won't get कि आपने क्या करना है, you can always ask your teacher, ठीक है। And after doing it, you will share the pictures of these sums with your teacher as you have always been doing, ठीक है, आप ये हमेशा से ही करते हैं। Thank you for your time. Allah Hafiz.